आपको कैसा लग रहा है आज का एग्जीबिशन? बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जीबिशन मतलब पेरेंट्स लोग को, जो बच्चे लोग को हॉबी है। तुम लोग का नेक्स्ट आर्टिस्ट है अभिषेक बदर। ये हिमालय का जो आपका जो चैनल है आप लोग सब सब्सक्राइब कर देना, ये बहुत अच्छा ब्लॉग बना रहा है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है देवेंद्र। हेलो, मेरा नाम अभिदास है, मैं भाटोगा से हूँ। तो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज आप लोगों को मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। आज हम लोग का मेरा लाइफ का फर्स्ट एग्जीबिशन होने वाला है बागाजुद्दीन पार्क में, स्टेट आर्ट एग्जीबिशन। तो हम लोग का आके इधर मेला के तरफ से यहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा है। तो आज आप लोगों को मैं मतलब यहाँ पर बहुत सारा सीनियर है तो सबका इंटरव्यू लेंगे और सबका पेंटिंग वगैरह भी आप लोग को सब कुछ देखेंगे। तो गाइस अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आप लोग को इंट्रोड्यूस कराऊंगा हम लोग का आर्टिस्ट वगैरह। तो सबसे पहले मीट करेंगे हम लोग का आर्टिस्ट, आपका इंट्रोड्यूस दीजिए। तनुश्री रॉय, मैं तनुश्री रॉय हूँ। और क्या बोलना है आपका, मतलब कौन सा घर वगैरह? मैं शालबाड़ी से हूँ, यहाँ पे सिलीगुड़ी में। और ये हम लोग का फर्स्ट एग्जीबिशन है, स्ट्रीट आर्ट एग्जीबिशन ऑल्सो। तो बहुत खुश हूँ, सुबह से बहुत सारा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड थैंक यू सबको, यहाँ पे जो भी ग्रुप मेंबर है सबके लिए आज ये पॉसिबल हुआ। तो आगे भी इसको लेके हम लोग को बहुत आगे जाना है, ठीक है। अब जब फाइनली हो रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मीडिया से, तो सच में बहुत मतलब ये खुशी जाहिर करने वाला नहीं है। उत्तर बंगो, उत्तर काका से आया था, उत्तर बंगो बर्तमान से आया, सीसीएन से तो आया है, और नॉर्मल जो लोकल न्यूज है उनमें से भी आया। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज्यादा। हम लोग नेक्स्ट आर्टिस्ट हम लोग का है, आपका इंटरेस्ट बोल दीजिए मैम। हाय, ममता रॉय, मैं मेडिकल मोड से हूँ। और कुछ मतलब आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रही है। कल तो रात को बहुत ही डर लग रहा, मतलब डर लग रहा था क्या होगा कि आज नहीं, बट हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रही है। बहुत खुश है आज मैम, बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश तो बहुत खुश है। आज हम लोग अभी नेक्स्ट आर्टिस्ट से मिलेंगे। हम लोग का नेक्स्ट आर्टिस्ट है अभिषेक बदर। तो कैसा फील हो रहा है आज का एग्जीबिशन मित्र आपको? सर जी मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है सभी आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म करने में। आपका लाइफ का फर्स्ट एग्जीबिशन, तो लाइफ का फर्स्ट एग्जीबिशन मेरा भी है, तो आपको बहुत ही प्राउड फील होगा क्योंकि आपका पेंटिंग वगैरह सब कोई देख रहा है, मतलब बहुत एक्साइटेड ना? बहुत ही मन में नर्वस भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछता है वगैरह वगैरह। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई अपना काम को अप्रिशिएट करते है, आर्टिस्ट का काम को अप्रिशिएट करते है, क्योंकि हम लोगों के लिए आर्टिस्ट के लिए बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि हम लोग को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लेकिन जो आज मिला हम लोग बहुत खुश है इसको लेकर। तो हम लोग बहुत खुश है गाइस, अभी नेक्स्ट आर्टिस्ट से मिलेंगे। हम लोग का नेक्स्ट आर्टिस्ट है नेहा मैम। हेलो, तो आपको कैसा लग रहा है आज का एग्जीबिशन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका लाइफ का ये फर्स्ट एग्जीबिशन है कि आप पहले भी किए थे? फर्स्ट एग्जीबिशन। ओ माय गॉड, मेरा ये फर्स्ट एग्जीबिशन, मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि हम लोग का लाइफ में जब फर्स्ट कुछ करने जाते हैं ना तो बहुत खुश होता है। और इतना आपको रिएक्शन कैसा लग रहा है पब्लिक का रिएक्शन देखकर? पब्लिक का रिएक्शन देख के अच्छा लग रहा है, सेल होना है। हाँ, आपका मैम का एक सेल भी हुआ है, तो कैसा प्राउड फील हो रहा है? प्राउड फील हो रहा है। तो आपका कुछ डिटेलिंग वगैरह बोल दीजिए हम लोग का व्यूअर लोग को। मेरा नाम है निहा मजुमदार, मैं टिंबाती कॉलोनी में रहती हूँ। अच्छा, वैसे तो मैं पोर्ट्रेट ड्राइंग करती हूँ, लेकिन और भी कुछ करना चाहता हूँ, मतलब जैसे अभी तो वाटर कलर मुझसे नहीं होता, वाटर कलर मतलब ट्राई करना चाहते हैं आप? सेम मेरा भी हाल है, वाटर कलर में उतना मास्टर नहीं हो लेकिन करने का मन करता है क्योंकि डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है वाटर कलर करना, जो करता है वो लोग ले सैल्यूट है। तो अभी नेहा मैम का हम लोग पेंटिंग देखेंगे, तो आप मैम दिखाइए आपका पेंटिंग। नेहा मैम का पेंट देखिए गाइस, जस्ट ऑसम, बिग फैन मैम, बिग फैन आपका, बिग फैन हो चुका है। ये देखिए गाइस, ये देखिए अपने आपको बनाया है, देख सकते हैं आप, मेहती हो रहा है कि नहीं देख लीजिए। देख सकते हैं गाइस, वाह, देख सकते हैं गाइस, दीपिका पादुकोण है। ओह माय गॉड, ऑसम, नेहा जी का पेंट खत्म। और ये तो नेहा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं तो बिग फैन हो चुका हूँ मैम का। और भी है क्या? और भी हो सकता है शायद, इतना सारा पेंट दिया है कि भूल गया। तो मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा,
मैम का पेंटिंग वगैरह देखे हैं, बहुत अच्छा लगा और कुछ सीखने का मौका मिला मुझे बहुत कुछ। आपको मतलब क्या क्या सीखने का मौका मिला आज का एग्जीबिशन में? एग्जीबिशन में जो वाटर कलर का आर्ट दिख रही है बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब बहुत, और पेन वर्क में नहीं करता है, ये वाला है बहुत अच्छा पेन वर्क करता है, उतना नहीं मैं देखा तो अच्छी लग रही है। तो थैंक यू नेहा मैम, आपको से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। फिर अभी आप लोग को नेक्स्ट आर्टिस्ट से मिलाएंगे गाइस। हम लोग का नेक्स्ट आर्टिस्ट है, आपका इंट्रोड्यूस बता दीजिए गाइस। हेलो, मेरा नाम अभिदास है, मैं मांडोगरा से हूँ और मैं फिलहाल 14 साल से ड्राइंग सीख रहा हूँ। और ये मेरा कुछ ड्राइंग्स है, देख सकते हैं। अभी का पेंटिंग बहुत बहुत मतलब डिटेलिंग बग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये कौन सा क्या चीज सीखी है? ये डॉट आर्ट है, इसका करने में टोटल 28 आवर्स लगा है। और ये सब आपका एक्रेलिक पेंटिंग है, वाओ देख सकते हैं गाइस आप लोग। और आपको आज एग्जीबिशन में आके कैसा फील हो रहा है? ये फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। और आपका भी फर्स्ट टाइम? वाओ गाइस, मेरा भी फर्स्ट टाइम, अभी का भी फर्स्ट टाइम। आज बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस हुआ अच्छा, नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर करने का कोशिश करूंगा। और सीखने का क्या क्या सीखने का मौका मिला आपको? वही दोस्तों का ड्राइंग देख के बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, मुझे भी और अच्छा करना चाहिए, मेरा लेवल अच्छा होगा वगैरह वगैरह, इम्प्रूव करना पड़ेगा। दोस्तों का ड्राइंग देखा बहुत अच्छा लग रहा था, उन लोग का ड्राइंग। तो थैंक यू, तो अभी थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट आर्टिस्ट से मिलेंगे गाइस। हम लोग का नेक्स्ट आर्टिस्ट है दबरत पाल। तो आपको कैसा फील हो रहा है आज, फर्स्ट आपका लाइफ का एग्जीबिशन, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। तो आप इनका पेंटिंग देख सकते हैं गाइस, बहुत डिटेलिंग से किया गया है, देख सकते हैं आप। ये क्या चीज़ से किया गया है? ये वाटर कलर है और सॉफ्ट पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल में। तो आज का लाइफ का आपका फर्स्ट एग्जीबिशन, मतलब क्या क्या सीखने का मौका मिला आपको? बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, ये भी बहुत बड़े आर्टिस्ट ना ना बहुत अच्छा, मतलब देवा भरत ने बहुत अच्छा पेंटिंग किया गाइस। और वो भी है, घोड़े को आपको दिखा सकता हूँ मैं, बहुत डिटेलिंग से किया गया है, बहुत अच्छा है गाइस, देख सकते हो। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आज गाइस इस एग्जीबिशन से हम लोग को, क्योंकि लाइफ का फर्स्ट एग्जीबिशन है हम भाई का भी और मेरा भी। तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट आर्टिस्ट से हम लोग का। हम लोग का सेकेंड आर्टिस्ट है सागर। तो आपको फर्स्ट एग्जीबिशन, मतलब इस एग्जीबिशन में आपको कैसा लग रहा है आपके स्टेट आर्ट एग्जीबिशन? स्टेट आर्ट एग्जीबिशन सिलीगुड़ी पर बहुत अच्छा है, सब लोग आ रही है, प्राउड फील हो रहा है। मैंने हम तो नक्सलवाड़ी से आए हैं, तो मैंने सब यहाँ पर लोकल है, मैंने इतने दूर से है, तो मैंने अच्छा लगा, मैंने सबके संगे भलो व्यवहार, मैंने सवार सत्य भलो व्यवहार, तो मैंने एकदम बंधुत्वपूर्ण मत हो गए। सागर भाई का पेंटिंग दिखाऊंगा आप लोगों को, देख सकते हैं सागर का आर्ट, बहुत डिटेलिंग गाइस, बहुत डिटेलिंग में किया गया है, देख सकते हैं आप लोग गाइस सागर का पेंटिंग, देख सकते हैं गाइस बहुत डिटेलिंग से किया गया है। तो सागर से मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू सागर। अभी आप लोगों को मैं नेक्स्ट आर्टिस्ट दिखाऊंगा, आपका डिटेल बता दीजिए कुछ। मैं गौरव पाल हूँ, मेरा बहुत, तो आप लोगों को मैं गौरव सर का पेंटिंग वगैरह दिखाऊंगा। तो अभी ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं तो सर आपका मतलब ये फर्स्ट एग्जीबिशन है कि और पहले भी आपने किए थे? स्ट्रीट एग्जीबिशन ये फर्स्ट है, मैं पहले थोड़ा बहुत वो गैलरी में एग्जीबिशन करता था। अच्छा, ये हमारा फिर स्ट्रीट एग्जीबिशन ये फर्स्ट है। तो कैसा लग रहा है आपको? अभी तो फिलहाल तो जैसा हम रिस्पॉन्स मिला है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सिलीगुड़ी में ऐसा एग्जीबिशन कभी पहले नहीं हुआ था, तो ये जो स्ट्रीट एग्जीबिशन है, या इससे क्या होता है कि
जो गैलरी में एग्जीबिशन होता है ना, उसमें सभी लोग आप नहीं आ सकते ना, सभी लोग को पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है, वो आए पेंटिंग देखे नहीं ना। स्ट्रीट एग्जीबिशन में होता है कि आप जहाँ अपने पेंटिंग लगाया, लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो देख के जा रहे हैं। ऐसे बात ऐसे क्या होता है, इंटरेक्शन जो होता है, इंटरेक्शन बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए जो स्ट्रीट एग्जीबिशन है, हर आर्टिस्ट को ऐसा एग्जीबिशन करना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट लोगों के लिए। हाँ, ये ऐसे जो हमारा जो ये ग्रुप है, ये अभी तो नया नया ग्रुप है, हमारा हमारा जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनके लिए छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है। तो आशा करता हूँ कि ये बाद में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाए। यस यस। और भी आर्टिस्ट जो है हमारे ग्रुप में आए ज्वाइन हों, और आगे भी हम ऐसे ही करते जाएंगे। यस। तो थैंक यू, तो गौरव दा थैंक यू। अभी हम लोग आपसे नेक्स्ट आर्टिस्ट से मिलेंगे। हम लोग का नेक्स्ट आर्टिस्ट है प्रीतम। तो आपको आपका इंटरेस्ट थोड़ा बता दीजिए। मेरा घर है फलाकाटा अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट है। हम बेसिकली वाटर कलर आर्टिस्ट है। अच्छा, ठीक है। वाटर कलर ज़्यादा करते हैं, उसके साथ स्टिल लाइफ, फिर स्केच वगैरह करते हैं। मेरा एक स्कूल भी है, उसका नाम है इंफिनिटी आर्ट इंस्टीट्यूट फलाकाटा। वाओ गाइस, अच्छा लगा सुन के, थैंक यू। तो आपको आज का मतलब एग्जीबिशन कैसा लग रहा है, मतलब कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। मतलब ये जो स्ट्रीट आर्ट एग्जीबिशन है ना, ये तो बाहर का दुनिया में मतलब कोलकाता के साइड में होता है, लेकिन ये उत्तर बंगाल में अभी तक नहीं हुआ, यही फर्स्ट टाइम है, इसलिए बहुत एक्साइटेड हुआ हम लोग। यस यस, सिलीगुड़ी में फर्स्ट। सिलीगुड़ी में फर्स्ट है। और मतलब जो हॉल में जो होता है, मतलब कुछ कुछ लोग ही जाता है, लेकिन इधर में इतना सारा लोग सब चलता है, फिरता रहता है, आके देख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यस यस। तो प्रीतम का मैं आपको पेन वगैरह दिखाऊंगा। देख सकते हैं गाइस, बहुत अच्छा, मतलब डिटेलिंग इतना अच्छा, मैं तो फैन हो गया सर का। थैंक यू फैन हो गया गाइस। तो आपको और कुछ बताना चाहिए आप, मतलब हम लोग ऑडियंस को, मतलब बहुत सारा बच्चे हैं जो ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन लोग के लिए कुछ मोटिवेट चीज जो मतलब जो है ना गार्जियन, मतलब पेरेंट्स लोग को, जो बच्चे लोग को हॉबी है करने का शौक है, उसी में उसको जिसमें उसको इंटरेस्ट है, उसी में उसको डाल देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। यस यस यस। और देखना मतलब प्रोग्रेसिव होगा ही, और जो ये आर्ट है बा सिंगिंग है, जो उसका हॉबी है, जो उसका मन लगता है, वो करने से उसका प्रोग्रेसिव होगा ही होगा। एकदम सर ने एकदम परफेक्ट बात बोला है। अभी और इधर में तो मतलब दक्षिण बंगाल में तो बहुत आर्ट कॉलेज है, बहुत कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट को इधर भी इतना सारा आर्टिस्ट है, इतना कलाकृति है, लेकिन हम लोग को भी नजर देना चाहिए गवर्नमेंट को, यही बोलना चाह रहा हूँ। एकदम प्रीतम सर ने जो बोला एकदम सही बोला, कि हम लोग का सिलीगुड़ी में अगर एक आर्ट कॉलेज हुआ तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा होगा हम लोग का स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल होगा, और मतलब जो टैलेंट है और जो मतलब उतना भी अमीर इंसान नहीं है, मतलब तो उसका उसके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छा मतलब हो इधर का जो हम लोग का जैसा आदमी लोग है, तो बाहर जाके करने का जो फीस वगैरह रहता है बहुत कॉस्टिंग बढ़ जाता है, तो इसलिए इधर करने से अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जैसे कि हम लोग अगर सिलीगुड़ी से कोलकाता में जाके पढ़ेंगे, तो हम लोग के लिए मिडिल क्लास लोगों के लिए हम लोग का बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर गवर्नमेंट ने सिलीगुड़ी में अगर एक आर्ट कॉलेज खोला, तो हम लोग के लिए बहुत हेल्प होगा। अगर कोई अगर देख रहे हैं तो प्लीज हेल्प कीजिए, इसमें हम लोग बहुत खुश होंगे, अगर हो सके तो हम लोग बहुत हेल्पफुल होगा एकदम। तो थैंक यू प्रीतम, मिलेंगे एकदम एकदम। अभी नेक्स्ट आर्टिस्ट से मिलेंगे। नेक्स्ट आर्टिस्ट है देवेंद्र। तो आपको कैसा लग रहा है आज का एग्जीबिशन? आज का एग्जीबिशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स पे पहली बार है मैं एग्जीबिशन कर रहा हूँ, इसमें पहले करते था, ये फर्स्ट टाइम मेरा एग्जीबिशन है। मतलब फर्स्ट टाइम स्टेट ने क्या पहले भी किए थे? पहले भी किया था, लेकिन यहाँ पे प्लेन पे नहीं किया था। अच्छा अच्छा, मतलब आपका घर मिरिक का उधर? जी मिरिक पे किया था, मिरिक पे किया था, दार्जिलिंग पे किया था, लेकिन सिलीगुड़ी पे फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपको मैं देवेंद्र सर का पेंटिंग वगैरह दिखाऊंगा, सब कुछ देख सकते हैं गाइस।
ये आप कौन सा मीडियम से किए थे? ये मैं ज़्यादातर एक्रेलिक से ही करता हूँ। तो मेरा प्रायः सब कुछ यहाँ पे जो जो सिक्स पेंटिंग है यहाँ पे वो सब मेरा एक्रेलिक ही है। अच्छा अच्छा, आपका जितना भी है मतलब ये एक्रेलिक से है? यस, देख सकते हो गाइस, दैट्स ऑसम। सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर दैट। तो हम लोग देखते गाइस नेक्स्ट आर्टिस्ट से मिलेंगे अभी। हम लोग का नेक्स्ट आर्टिस्ट है प्राचित। हेलो गाइस, प्रचित देखा, आपको कैसा लग रहा है एग्जीबिशन में? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना दिन बाद सक्सेसफुल हुआ हम लोग का प्लान। yes, yes. तो कैसा फील हो रहा है? आई एम सो एक्साइटेड, सुबह से लेकर अब तक बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आई डोंट मैंने एक्सप्लेन। मतलब हम लोग का मतलब प्लान फाइनली सक्सेस हुआ तो बहुत खुश लग रहा है। तो अभी मैं प्रचित देखा पेंटिंग आप लोग को दिखाऊंगा। तो प्राची देश से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आज एग्जीबिशन में, बहुत एक्सीलेंट वर्क देखे आप लोग, मतलब क्या बताऊं मैं, फैन हो गया मैम आपका। आपका पेंटिंग और मतलब डिजाइनिंग मतलब आप काफी से क्या मतलब ये क्या चीज से किया ये पेंटिंग? एक्चुअली ये मंडला आर्ट वर्क करने के लिए एक पेन मिलता है जो मैंने 0.5 डॉटलिज्म पेन भी कहते हैं इसे, तो उस पेन से ये वर्क करते हैं। मतलब आपका आपका फेवरेट मतलब कौन सा टॉपिक मतलब करते हैं? मंडला। मंडला हो गया, तो मैम का मंडला आर्टिस्ट आप देख सकते, इतना सुंदर सुंदर दिखते हैं मैम। थैंक यू। तो प्राची मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो आप अभी हम लोग बाय बाय करते हैं मैम को, अभी नेक्स्ट आर्टिस्ट से आप लोग को मिलाते हैं गाइस। तो गाइस अभी नेक्स्ट आर्टिस्ट है हम लोग का बैसाखी मैम। हाय, तो आपका इंट्रोड्यूस करा दे दीजिए हम लोग को। नमस्कार, हमें बैसाखी हमारे खाने टोटल 6 पेंटिंग দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, সবগুলো বেস হচ্ছে কালার হচ্ছে ওয়াটার কালার উপরে আমি করেছি। আচ্ছা আচ্ছা, তো ম্যাম কবি মে আপনাদের পেন্টিং দেখাতে দেখাবো गाइस। এটা আমার স্টিল লাইফ। স্টিল লাইফ আছে, দেখ सकते हैं बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं गाइस बेबी है, बहुत अच्छा नेचुरल एकदम फील एकदम देख सकते हैं, एकदम नेचुरल जो उभर के आया एकदम। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रूट स्टिल लाइफ किया है मैम ने, ये भी आपका है ना, ये भी है मैम का, ये भी देख सकते हैं गाइस, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू मैम आपको पेंटिंग वगैरह दिखाने के लिए। नेक्स्ट आर्टिस्ट है हृदय सर। सर आपको कैसा लग रहा है आज का एग्जीबिशन? बहुत ही अच्छा, बहुत ही फील अच्छा लग रहा है, पहली बार लाइफ का पहली बार एग्जीबिशन है। वो आपका भी लाइफ का फास्ट, वो मेरा भी फास्ट, सर का ही फास्ट, मतलब फील बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत बहुत एकदम ही मजा आ गया। स्टेट आर्ट सिलीगुड़ी में हम लोग कभी भी नहीं किए, सिलीगुड़ी का फर्स्ट टाइम हुआ, सिलीगुड़ी में फर्स्ट टाइम, तो हम लोग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो आपका पेंटिंग का बारे में जैसे कि ये देख सकते गाइस आप लोग, इंडियन बॉयज प्लेइंग इन द वाटर। वाओ, तो आपको मतलब ये जो पेंट किया आप मतलब क्या सोच के किए थे? ये सोच के तो रेफरेंस लिए थे पेंट्रीज में, बहुत ढूंढे ढूंढते 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 ये मिला, तो अच्छा लगा तो बना दिए, एक दिन में ही बना दिए पिक्चर। बहुत अच्छा लगा गाइस, देखे नेचुरलिटी, पानी वगैरह देख सकते हैं, स्ट्रगल किया है बहुत, बहुत स्ट्रगल किया है सर ने, बहुत अच्छा लगा। और भी सर हम लोग को पेंटिंग दिखाएंगे कहाँ पर है सर, दिखाइए आपका पेंटिंग हमें, नजर आ रहा है इधर एक है स्टैंड अप, ओह माय गॉड देख सकते हैं गाइस, चिप टांड अप जो बनाया है हम लोग का हृदय सन ने, राजस्थान राजस्थान का व्यू दस ऑसम, ये देखिए गाइस ये तो इतना कलर जो इतना अच्छा से आया है इसमें। सर आपका मतलब मेन जो आपका वाटर कलर ही है क्या? हाँ, मेरा सबसे फेवरेट मीडियम वाटर कलर है, सबसे फेवरेट सर का वाटर कलर है, और मेरा सबसे हार्ड क्योंकि एक्चुअली मैं वाटर कलर नहीं करता हूँ गाइस, मैं कभी ट्राई नहीं किया हूँ, लेकिन अभी इस ग्रुप में आके मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, इस बार मैं जरूर ट्राई करूँगा। तो सर का और भी है नेपाली चाय, नेपाली चाय बनाया सर ने, वाओ द ऑसम, ये देख सकते हैं आप,
एलिफेंट वाला देख सकते हैं। इसका टॉपिक आप बोल पाएंगे? इसका टॉपिक बहुत डीपली है, लड़कियों के लिए ऊपरी ऊपरी है, आप लोग देख के समझ पाएंगे, देख सकते हैं गाइस। और भी है सर का बहुत सारा पेंटिंग आउटडोर। देखे आप, आपने लाइव किया था? लाइव नहीं, फोटो खींचा था। ओ, फोटो खींच के किए थे, अच्छा बहुत अच्छा लगा देखकर। और भी है सर का, और दो ठो है तो हम लोग को भी देखेंगे। बहुत बड़ा है सर, देख सकते हैं हम लोग, मतलब एग्जीबिशन बहुत दूर तक हो रहा है, बहुत दूर तक। कौन सा ये पेंसिल कलर किया है सर ने? जस्ट ऑसम। और लास्ट वर्ड आप लोग पेचन पेचन में आ रहा है शायद, कुछ दिन पहले मीन्स वायरल हुआ था, कुछ दिन पहले नहीं, एक साल हो गया शायद, ज्यादा हो गया। तो हृदय सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपका पेंटिंग बहुत अच्छा है, सीखने का बहुत कुछ मिला है। और जो यंग जनरेशन के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे, जो बच्चे लोग नया नया पेंटिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सीखने का कोशिश कर रहे हैं, वाटर कलर करने का कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ बोल दीजिए हम लोग? यही बोलना चाहता हूँ, जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ड्राइंग। ड्राइंग स्किल स्ट्रांग रहेगा तो आप जिस मीडियम ही करो परफेक्ट होगा। ड्राइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आर्ट। यस, तो जो यंग जो जनरेशन देख रहे हैं तो वो लोग के लिए बहुत अच्छा ड्राइंग इम्पोर्टेंट। यस यस, तो आप लोग फोकस कीजिए इसमें तो बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू सर, बिग फैन सर। सो गाइस, फाइनली हम लोग का लास्ट आर्टिस्ट है रिक सर, जो हम लोग का एडमिन है। तो सर आपको कैसा लग रहा है आज का एग्जीबिशन? हम लोग का फाइनली हो चुका है एग्जीबिशन, मतलब इतना दिन बाद हम लोग फाइनली कर पाए, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने दिनों के बाद एक सपना था, तो ये मेरा खुद का सपना था, लेकिन अब ये मेरा खुद का सपना नहीं, एक हम लोगों का सपना हो गया। तो क्योंकि ये आकी इधर मेला, ये हम लोगों का एक फैमिली ग्रुप है, और फैमिली ग्रुप में हम लोग सभी एक मेंबर है। तो अभी फाइनली हम लोगों का प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी आइए, देखिए, एंजॉय करिए, और प्रोग्राम हम लोगों का आर्टवर्क को पसंद कीजिए और दूसरों को दिखाइए। सो फाइनली थैंक यू। अभी मैं आप लोग को गाइस दीप सर का ड्राइंग वगैरह दिखाऊंगा। सर आप एक एक करके दिखाइए आप कहीं। तो यह सिस्टम करेंगे गाइस, दीप सर का पेन आप दे सकते हैं, ये देखिए लिप्स। सर ये किसको सोच के बनाए थे आप? ये किसी को सोच के नहीं, ये मन में था तो बना दिए। बहुत अच्छा लगा आपका सर, देख सकते हैं आप लोग गाइस, मिर्ची टू मिर्ची से एक लिप्स हुआ, बहुत अच्छा लगा। और ये आप लोग न्यूज़पेपर मत सोचिए गाइस, ये न्यूज़पेपर नहीं है, ये सर ने बनाया है, देख सकते हैं उत्तरबंग संवाद मछली, पूरा जो पेपर है पूरा पेंटिंग है, सर ने बनाया है। सो गाइस आप लोग ने रिक सर का पेंटिंग वगैरह देख रहे, सर बिग फैन सर। सर आप थैंक यू बोलना चाहेंगे, मतलब लास्ट हम लोग का जो न्यू जनरेशन जो पेंटिंग करने का कोशिश कर रहा है नया, तो उन लोगों के लिए कुछ मोटिवेट चीज जो हम लोग के ग्रुप के तरफ से आप कुछ देना चाहेंगे? पहले तो बताना चाहो तो आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, और रेगुलरली काज करना, जो काम वगैरह करना है वो वर्क करते रहे, तो आगे जाके आपका बहुत ही तरक्की होगा, आपका वर्क बहुत ही डेवलप करेगा। तो थैंक यू रिक सर, हम लोग एडमिन, तो लास्ट हम लोग का आर्टिस्ट रिक सर था। तो आज का ब्लॉग गाइस इसी के बारे में था, हम लोग का जो एग्जीबिशन है इसी का टॉपिक में आप लोग देख सकते हैं, बहुत लास्ट से हम लोग का उधर तक एग्जीबिशन हुआ आज, मतलब प्राउड फील हो रहा है इतना कि फाइनली आज हम लोग ने एग्जीबिशन को कर पाए, तो प्राउड फील हो रहा है। तो गाइस अभी हम आपको हम लोग लास्ट का एंडिंग दिखाएंगे, उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे गाइस, तो नेक्स्ट बने रहिए वीडियो तक। गाइस फाइनली आप लोगों को मैंने बोला था कि आर्टिस्ट खाता में, लेकिन जो हम लोग का मेन आर्टिस्ट है जो हम लोग अनंत दा अभी आया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है आज का एग्जीबिशन हम लोग का फाइनली कम हो पाया, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू देना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में जितने भी मेम्बर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाए हैं, सभी ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाया है,
हालांकि मैं थोड़ा आ जाने में लेट हो गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा काम था तो उस टाइम थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए मैं लेट से आया, लेकिन सभी ने इतना अच्छा से कोऑपरेट किया और ये हिमालय का जो आपका जो चैनल है आप लोग सब सब्सक्राइब कर देना, ये बहुत अच्छा ब्लॉग बना रहा है, ठीक है। और हमारे हमारी जो ये जो एग्जीबिशन है इसने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर मी। तो भैया का आप लोगों को मैं पेंटिंग वगैरह दिखाऊंगा, तो भैया स्टार्टिंग कहाँ से करवाएंगे आपका? यस, देख सकते हैं गाइस, ये मेरा वाटर कलर पेंटिंग है, एक लैंडस्केप किया था मैंने, ये वहाँ से एक ये है लैंडस्केप, ये वाटर कलर है, मेरे ज्यादातर पेंटिंग से वाटर कलर में है, सिर्फ एक पेंटिंग जो है वो एक्रिलिक पेंटिंग है। अच्छा अच्छा, ये मैंने कुछ बर्ड स्टडी किया था, अब देख सकते हैं गाइस, इतना सर बिग फैन सर बिग फैन में फैन मतलब सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे, लेकिन मैं आपका फैन हो चुका हूँ, देख सकते हैं गाइस, जस्ट ऑसम। ये तो गौरव दर का है, ये भैया का देख सकते हैं, बर्ड देखिए गाइस, इतना सुंदर सुंदर नेचुरल लग रहा है। एक्चुअली भैया एक्चुअली वाटर कलर ज्यादा आपका मतलब फेवरेट है? हाँ जी हाँ, मैं वाटर कलर ज्यादा करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वाटर, ज्यादा से ज्यादा वाटर कलर फेवरेट। तो पेंसिल मीडियम और जो पोर्ट्रेट वगैरह है वो भी मैं करता हूँ, सीखना चाहता हूँ वाटर कलर, तो अभी हम लोग का ग्रुप हो चुका है, अभी भैया से जरूर सीखूंगा, भैया मेरे को जरूर सिखाइए। तो भैया का और पेंटिंग आपको लोग को दिखाऊंगा मैं, तो अनंत दास से मिलके बहुत अच्छा लगा, हम लोग का आर्टिस्ट अनंत दास, आप लोग फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो भैया मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर दैट। तो गाइस अभी हम लोग का सब का इंट्रोड्यूस हो चुका है, फाइनली मेरा लास्ट बाकी है, तो वो भी कराऊंगा आप लोगों को, तो अपना इंट्रोड्यूस मैं खुद कराऊंगा आप लोगों को। तो गाइस फाइनली सबका इंटरव्यू लेने के बाद मेरा बाकी है, तो मेरा आप लोग को पेंटिंग दिखाऊंगा, इधर एक है और देख सकते आप लोग, और पेंटिंग मेरा उधर है, तो आप लोग क्या दिखाऊंगा आप लोग को, मैं घर में जाके जरूर दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में कभी, उसके लिए मैं दूसरा एक ब्लॉग बनाऊंगा, एक्स्ट्रा ब्लॉग आएगा, वो थोड़ा हटके होगा वो। फाइनली मेरा दोस्त आया है, मतलब मेरा पेंटिंग वगैरह देखने के लिए, बहुत साल बाद मिला, बहुत अच्छा लगा मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अनिक प्रो। यस, बहुत टाइम बाद मिला भाई के साथ, हम लोग एक ही क्लासमेट हुआ करते थे बचपन का स्कूल के बाद मोस्टली मीटअप हुआ ही नहीं, ऑलमोस्ट 2 years तो हो ही गया, ज्यादा हुआ आई थिंक 3 years से बाद मीट कर रहे हैं, तो भाई का वीडियोस यार एक भी वीडियो ऐसा नहीं जो नहीं देखते, ठीक है, हर एक वीडियो देखते हैं, और भाई का बहुत मेहनत है, सपोर्ट भी है, हमारे पूरा सपोर्ट है भाई के लिए, आप लोग वीडियो में थोड़ा प्यार दिखा दीजिए, थैंक यू, और कुछ नहीं चाहिए बस इतना ही, थैंक यू। तो अभी हम लोग अपने दोस्त को पेंटिंग वगैरह दिखाएंगे गाइस, मेरा पेन देख रहे हैं अनिक, कैसा लगा? आर्टिस्ट देखो, आर्टिस्ट मास्टरपीस है ये, ना उतना भी नहीं, अब तो एक से बढ़कर एक है, बहुत अच्छा लगा सुन के, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट है, एक से बढ़कर एक। हम लोग का व्यूअर जो आया है देख सकते हैं आप, तो आप लोग आज देख सकते हैं गाइस, तो आज के वीडियो यहीं पर एंड करता हूं मैं, बहुत अच्छा लगा एग्जीबिशन में, बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह दिखाए आप लोगों को, सबसे सीखने का मौका मिला, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में गाइस।